हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ और स्टूडेंट की जितनी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी आप लोगों को बताती हूँ इस वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ फिज़िक्स के यूनिट वन का जो कि वेक्टर अल्जबरा है मैं आप लोगों को वही क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है ठीक स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर मैं आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूंगी पहले मैं सारे यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी पी वाई क्यूज क्वेश्चन हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स क्वेश्चन हैं वो सब आप लोगों को पहले बता दूंगी फिर एक एक करके मैं आप लोगों के इन सब के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगी मैंने मैथ्स में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन उसके सोल्यूशन्स प्रोवाइड किए हैं अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाइए प्लेलिस्ट बनी हुई है आप वहां से जाकर के देख सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने देखा कि हमें लिखना है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखना है ठीक क्वेश्चन नंबर कह रहा है व्हाट इज मिंट व्हाट इज़ द मिंट बाय द इक्वल वेक्टर इक्वल वेक्टर क्या होता है अपोजिट वेक्टर क्या होता है यूनिट वेक्टर क्या होता है ये सब क्वेश्चन शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं लॉन्ग में भी कभी कभी ये आ जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है ऑर्थोगोनल तो यूनिट वेक्टर क्या होता है नल वेक्टर क्या होता है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पूछा गया है इफ़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप और बी वेक्टर भी दिया गया है इज थीटा मतलब इन दोनों का जो है वो थीटा है देन प्रूव करना है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर अंडर रूट में बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ है एक्सप्लेन वेज प्रोडक्ट वेज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मतलब बताना है कि वेज प्रोडक्ट होता क्या है उसकी पूरी डिफिनेशन लिखनी है उसकी प्रॉपर्टीज भी लिखनी है अगर लॉन्ग में आ जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर क्या होता है उसकी डिफ़नीशन लिखनी है राइट द फॉर्मूला उसका फार्मूला क्या लिखना है ए डॉट बी क्या होता है एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिम्बल यूज मतलब जो उसमें ए डॉट बी है तो जो सिम्बल्स यूज़ करेंगे फार्मूला में उसका मीनिंग बताना है कि इसकी मीनिंग क्या होगी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाट इज मिंट बाय द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर मतलब इसमें स्केलर प्रोडक्ट पूछा गया था अब इसमें देखिए इसमें वेक्टर प्रोडक्ट पूछा गया है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की डिफिनीशन आप बताइए अच्छे से समझाइए तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया करता है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन है शो डेट द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्स ये वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड का तो निकालना शो करना है कि ये इक्वली इंक्लाइंड वेक्टर होगा क्वेश्चन नंबर एट में पूछ लिया करता है कि शो डैट इफ़ ए वैक्टर नॉट इक्वल टू जीरो एंड बोथ ऑफ द कंडीशन ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू ए डॉट सी एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी hold simultaneously then b vector is equal to c vector if one of the condition hold then b vector not equal to c vector respectively ये क्वेश्चन भी पूछ लिया करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। अगर कोई पोजीशन वेक्टर दिया है वर्टिसज ऑफ अ ट्रायंगल के पहला कौन सा दिया है टू आई प्लस फोर जे माइनस के एक ये दिया है और फोर आई प्लस फाइव जे प्लस के एक ये वेक्टर दिया गया है एंड थ्री आई प्लस सिक्स जे माइनस थ्री के देन द ट्राइंगल इज जब ये तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं ट्राइंगल के तो बताना है कि ट्राइंगल कैसा बनेगा ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पेलोग्राम आर दो एडजेसेंट साइड दिया गया है पेलोग्राम की एक है टू आई प्लस फोर जे माइनस फाइव के कैप एंड आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप फाइंड द यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालना है अलॉन्ग द डायगनल ऑफ द पेलोग्राम पेलोग्राम के डायगनल के अलॉन्ग निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया करता है इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एनी टू वेक्टर अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई दो वेक्टर हैं देन गिव द जोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलेशन इनका इसका जोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दिया गया है ये मॉड है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें डिस्कस वाई एन इनफाइनाइटेसिबल डिस्प्लेसमेंट इज रिगार्डेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी इसको आप लोगों को डिफाइन करना है कुछ और भी क्वेश्चंस हैं देख लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन है कि रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली एक डिस्प्लेसमेंट को जो कि फोर्टी किलोमीटर है थर्टी डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ में इसका एक डायग्राम बनाना है और उसमें लिखना है ठीक क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में है राइट टू डिफरेंशियल वेक्टर दो डिफरेंशियल वेक्टर को लिखना है हैविंग सेम मैग्नीट्यूड जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है इफ़ ए इज़ इक्वल टू जीरो कॉम वन अगर ए की वैल्यू दी गई पॉइंट दिया गया है बी का पॉइंट दिया गया है सी और डी का दिया गया है देन प्रूफ करना है जो वैक्टर है ए बी वैक्टर एंड सी डी वैक्टर वो इक्वल वैक्टर कहलाएंगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देख लेते हैं क्या कह रहा है इफ़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिस्पेक्टिवली आई कैप प्लस थ्री जे माइनस सेवन के कैप एंड फाइव फाइव माइनस टू जे प्लस फोर के कैप देन फाइंड ए बी हमारे पास पोजीशन वेक्टर दो पोजीशन वेक्टर दिया गया है तो ए बी वेक्टर निकालना है ओ बी में से ओ ए को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए बी वेक्टर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन मैं आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूंगी ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो बहुत अच्छी अच्छी टिप्स भी देती रहती हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड कॉपी कैसे लिखना है वो सब आप लोग प्ले लिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाइए प्लेलिस्ट भी बनी हुई है हर एक सब्जेक्ट की हर एक टॉपिक की तो आप वहां से जाकर विजिट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर पूछा गया है वेक्टर्स द ओरिजिन टू द पॉइंट ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली वेक्टर बी वेक्टर एंड फोर ए वेक्टर माइनस थ्री बी वेक्टर तो फाइंड करना है ए सी वेक्टर और सी वेक्टर को फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर एटीन देख लेते हैं फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पॉइंट्स दिए गए हैं डायरेक्शन कोशाइन्स निकालना है जो कि डायरेक्टेड है ए से बी की तरफ ए से बी की तरफ जो डायरेक्टेड है उसका डायरेक्टेड कोसाइन निकालना है फिर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द वैक्टर्स ए वैक्टर दिया गया बी वैक्टर दिया गया इसमें से जो एंगल जो एंगल सेपरेट होगा तो उस एंगल को डिग्री में बताना है ये भी अच्छा क्वेश्चन है ठीक लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर को प्लेनर वेक्टर, अगर ये तीनों वेक्टर को प्लेनर है देन हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया गया है वो किसके इक्वल होगा इसका इसका और इसका ये किसके इक्वल होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है मतलब मान लेंगे हम ए वेक्टर ये है बी वेक्टर ये है सी वेक्टर ये है तो इसका एस टी पी निकालना है होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे मैं आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूँगी और भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी ये यूनिट वन का फिजिक्स का वैक्टर एल्ज्रा का था मैं आप लोगों के लिए सारे यूनिट्स के लाऊँगी मैंने पिछले की वीडियो में मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता इंपॉर्टेंट यूनिट कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट सब यूनिट कौन कौन से हैं, आप लोगों को सिलेबस भी बता चुकी हूं तो नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा गुड बाय एंड स्टे सेफ